नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आंकड़े हमारे, फैसला आपका, मैं आपका स्वागत है। 2024 चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज आपको लगातार सर्वे दिखा रहा है और उसी कड़ी में इंडिया न्यूज आज एक और सर्वे लेकर आया है। इस सर्वे में लोगों से जो सवाल पूछे गए हैं वो पूरी तरह से बीजेपी सरकार के हिंदुत्ववादी एजेंडे के इर्द गिर्द हैं। लोगों ने तमाम सवालों पर अपनी राय दी है, नतीजे आपको चौंका देंगे। इन नतीजों को लेकर हम अपने गेस्ट पैनलिस्ट से भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इन नतीजों का कितना असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। तो तमाम सारी सवाल हैं और सवालों का जवाब हम जहां से जानेंगे तो आपसे चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहला सवाल क्या है, देश का मूड क्या है, ये हम आपको बताने वाले हैं कि देश का मूड क्या है, मोदी सरकार के कितने काम आया हिंदुत्व का एजेंडा, ये हमने लोगों से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लोगों से सवाल भी पूछे। सैंपल साइज क्या है ये देखिए, हम आपको बता दें कि सैंपल साइज क्या है, 2530 यानी कि 2530 सैंपल साइज है। और जब हमने लोगों से पूछा कि मोदी सरकार काशी कॉरिडोर की तर्ज पर उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रही है, धार्मिक स्थलों के ऐसे विकास से आखिर कितना आप सही मानते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात है, जो हां कहने वाली संख्या थी वो आपके सामने दिखाई दे रही है, 77.40% लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, उन लोगों ने हां बनाया, और कह नहीं सकते वो संख्या थी 7.44%। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि नहीं, यानी कि जिन लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं, हम इसके बारे में कहना नहीं चाहते, वो संख्या करीब 15.16% है। तो बड़ा फायदा, आप देखिए जो सवाल हमने पूछा उसका बड़ा फायदा कि मोदी सरकार जैसे काशी कॉरिडोर के को बनाया गया था, उसे सजाया गया था, ठीक उसी तर्ज पर अब महाकाल यानी कि उज्जैन में शिव जी का एक बड़ा ज्योतिर्लिंग है, उज्जैन को भी कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रही है, धार्मिक स्थलों के लिए विकास को, क्या आप सही मानते हैं? तो जो सबसे बड़ी संख्या है देश की आबादी की वो मानती है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक है और जो महाकाल कॉरिडोर है, आज हमने यहां पर महाकाल कॉरिडोर लिखा है, अब वो महाकाल कॉरिडोर भी बदल जाएगा। चर्चा हम करते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आलोक मेहता जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, उनसे हम सवाल करेंगे। सुधीर रावल साहब हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज के, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, सवाल पहला यही था कि आखिर मोदी सरकार काशी कॉरिडोर की तर्ज पर उज्जैन में अगर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रही है तो धार्मिक स्थलों के कैसे, धार्मिक स्थलों के ऐसे विकास को क्या आप सही मानते हैं? जवाब, आलोक जी, आलोक जी एक बार आपकी ओर से ऑडियो नहीं आ रहा है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मनोज जी, जी जिस तरह से अब आवाज आ रही है ना, आ रही आपकी आवाज आ रही है, तो ये जिस तरह से हमेशा एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि इसके साथ आर्थिक विकास जोड़ा जाए, आप ये देखिए कि चाहे वाराणसी हो, उसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसका आर्थिक विकास, यदि उसका विकास हुआ है वाराणसी का, तो उसका लाभ वहां मिलेगा। उज्जैन में क्योंकि ये भी एक ज्योतिर्लिंग के हिसाब से बहुत ही कुंभ मेला भी वहीं पर होता है देश के उन स्थानों में, उसको यदि ऐसा स्थान बना करके हिंदू भावनाओं की नहीं, देश विदेश से जो लोग आते हैं, चाहे प्रवासी भारतीय आए, भारतीय आए, और आप भी उससे परिचित है उस इलाके से, महाकाल मंदिर से लगा हुआ जो बिल्कुल इलाका है वो ऐसा है जहां अल्पसंख्यक भी हैं और बड़ी संख्या में, उसका लाभ जो आर्थिक होगा जी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जैसा आप अपने सर्वे में भी आपने दिखाया है जी। निश्चित रूप से लोग इसे मानते हैं कि इसका लाभ राजनीतिक ढंग से होगा, आर्थिक ढंग से होने का लाभ, सामाजिक जब लाभ होता है तो उसका लाभ चुनाव में मिलेगा, क्योंकि शिवराज सिंह चाहे मुख्यमंत्री हो वो भी लगातार जाते हैं, महाकाल की सवारी होती है तब भी जाते हैं, इसलिए कि जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जन भावनाओं में सभी धार्मिक समुदाय के लोग भी, और इसीलिए हिंदुत्व का एजेंडे में मतलब है कि आप उनको भी शामिल करें जो अन्य समुदायों के लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक सही सवाल है और इसका सार्थक लाभ बीजेपी और पार्टी ले सकती है, और केवल वही नहीं, इस उद्घाटन का फायदा गुजरात में, महाराष्ट्र में जो लगे हुए प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन सब में बीजेपी को मिल सकता है।
बिल्कुल बीजेपी को मिल सकता। तो जैसे कि आलोक जी ने कहा है कि जनमानस जुड़ा हुआ है और जनमानस ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, और वो प्रतिक्रिया नहीं है, आपके सामने स्क्रीन पर जो हां दिख रहा है उसमें 77.40। सुधीर रावल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सुधीर जी, मैं आपसे यह सवाल पूछता हूं कि अगर 77.40% लोग ये कहते हैं कि हां ये बिल्कुल सही है, और जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का बनाया गया, महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन सरकार करने जा रही है, तो ये धार्मिक स्थलों के विकास में लोग सही मान रहे हैं, एक बड़ी संख्या आबादी की। मनोज जी, जैसे आलोक जी ने बताया और ये सर्वे में भी जो दिख रहा है जनता की राय है, 77% लोग उसको जो मानता है, उसमें मैं मेरी भी हाँ में हाँ करता हूँ कि ये एकदम सही बात है। वैसे भी हमारे देश में जो जनसमुदाय रहते हैं सब उसमें धार्मिक भावना बहुत है, और हमारा कल्चर में भी सब धर्म का, तो धार्मिक भावना जो दिलों में है लोगों की, करोड़ों जनता के, तो उसका स्थलों का विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सरकार ये धर्म स्थलों का विकास आगे बढ़ाती है तो लोगों को भी पसंद आएगा, और हमारा देश में ये धर्म स्थलों की एक जो पवित्र यात्रा करने के लिए लोग निकलते वो भी खुश होंगे। खाली मैं कुछ ऐड ये करना चाहता हूं कि हमारा संविधान सेक्युलर है तो उसमें सर्व धर्म का आदर होता है, हिंदुत्व में भी, हिंदुइज्म में भी सर्व धर्मों का आदर है जो हमारे संविधान में भी है, तो कहीं ऐसा नहीं हो सब समुदाय सब संप्रदाय सब धर्म वालों को लगना चाहिए कि हमारा विकास हो, कहीं ये ज्यादा कम नहीं हो तब तक ये प्रॉब्लम नहीं आता है, अदरवाइज सरकार की जो भूमिका रहती है वो सेंसिटिव बन जाती है। तो ये ख्याल रखने से मुझे लगता है ये सब कुछ बहुत ठीक है, सब कुछ बहुत बेहतर है, और शायद सुधीर जी ने भी वही कहा, यानी कि जब अगर कोई इस तरह का विकास होता है, इस तरह के धार्मिक स्थल का चयन होता है, सरकार उसको विकसित करती है, तो निश्चित तौर पर वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सामाजिक जो सरोकार है, सामाजिक समीकरण है, वो भी बढ़ता है, ये तमाम सारी चीजें। दूसरा सवाल क्या है देश के मूड का, दूसरा सवाल क्या है हम आपको दिखाते हैं, सैंपल साइज क्या कहता है, 2530 सैंपल साइज है, सर्वे की तारीख आपको बताते हैं कि 21 से 24 सितंबर ये सर्वे की तारीख, यानी कि 2024 चुनाव से पहले अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि चुनाव में इससे मोदी सरकार को फायदा होगा? अब देखिए, हां कहने वाले कितने लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है, हां कहने वाली जो संख्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, 68.13%, यह हां कहने वाली संख्या है। जो कह नहीं सकते, यानी कि कह नहीं सकते या हमें पता नहीं है इसके बारे में, वो संख्या क्या है, यानी कि वो है 14.39%, और जिन लोगों को नहीं पता या जो नहीं कहना चाहते वो संख्या है 17.48%। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, यानी कि एक दूसरा सवाल और उसमें जनता का मूड क्या है वो आपने देखा, उस मूड के हिसाब से आप समझ सकते हैं। इस पर हम आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी, एक और सवाल है कि 2024 से पहले अगर अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हो जाता है तो फिर क्या मान लिया जाए कि इसका फायदा मोदी सरकार को मिलेगा, इस पर आपकी राय? देखिए, जिस तरह से वायदा किया गया था, और ये सब जानते हैं कि सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा करने में प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री तो नहीं थे, नरेंद्र मोदी अडवाणी जी के साथ थे, तो अयोध्या का एजेंडा भाजपा का सबसे पुराना एजेंडा है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी है। उस दृष्टि से ये कहने को, क्योंकि और जो वायदे पूरे किए गए, तलाकशुदा किया गया कि 370 किया गया, लेकिन जो जनता से जुड़ा हुआ अयोध्या का मुद्दा सबसे बड़ा भारत में रहा, उसे पूरा करके मंदिर के रूप में, देखिए पहले समाधान तो हो चुका और इसीलिए लोग मानते हैं वो उनके कोई, जिससे कहते चुनाव जीतने का वो नहीं है, उसके साथ में जो विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में उसका फायदा मिलेगा। यदि अयोध्या का काम जो हमारा आपका सर्वे में भी बता रहा है 68% कम नहीं है, लोगों को मानना है कि हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ वायदा पूरा किया गया, तो लोग क्या चाहते हैं कि भाई आप सत्ता में आए आपने तो नहीं किया। पहले वर्षों तक यही बातें कही जाती थी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले चुनाव 2004 में हार चुकी है, इसलिए मेरा मानना है कि उसका भी एक जो सेकंड पॉइंट है विकास के साथ उसका लाभ मिल सकता है जो आपका सर्वे बता रहा है। बिल्कुल, सुधीर जी के पास चलूंगा। सुधीर जी, जैसा कि आलोक जी ने कहा है कि दशक से ज्यादा समय हो गया है, पहले घोषणा पत्र आता था, घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र होता था कि राम मंदिर हम वहीं पर बनाएंगे, उसके बाद घोषणा पत्र का नाम बदलकर संकल्प पत्र हो गया और फिर वादा किया जाने लगा कि राम मंदिर बनाएंगे, कई चेहरे बीजेपी के आए,
तय करने वाले, लेकिन मंदिर बन नहीं पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने उस संकल्प को धरातल पर उतारा और अब स्थिति सामने है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और बीजेपी कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि 2024 के पहले वो हो जाए। आप मानते हैं कि इसका फायदा मिलेगा और बहुत ज्यादा मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा और बहुत फायदा मिलना भी चाहिए, उसके कारण बहुत है। जैसे कि आलोक जी ने बताया कि राम मंदिर 370 कलम को निकालना और कॉमन सिविल कोड, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी ने जब से पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन हुआ तब से उनका ये मेन एजेंडा था। तो एक तो कमिटमेंट के बारे में उन्होंने जो मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया और ये करके दिखाया तो उसका तो उसको मार्क्स मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के शासन में ये मामला भी सुलझ जाना चाहिए था, लेकिन अदालत के अंदर उसके काफी साल बीत गए, आंदोलन करना पड़ा, उसमें कुछ बाबरी गिर गई, वो भी अनफॉर्चुनेट हो गए। और इतनी मेजोरिटी वाले कंट्री के अंदर माइनॉरिटी को भी आगे आना चाहिए था कि राम मंदिर बन जाए, अगर सहकार से होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अदालत तक सालों बीत गए। ये हमारे पास पुराणों में तथ्य भी है कि वहां मंदिर था और ये अदालत में भी साबित किया है, तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इस लंबी लड़ाई के बावजूद उसके बाद जो डिप्लोमेसी के जरिए अदालत का फेवर में ये वर्डिक्ट आने के बाद भी सरकार ने जिस तरह से टाइम बाउंड प्रोग्राम लेके उसको कमिटमेंट के साथ प्रायोरिटी के साथ जो लिया है और बहुत कम वक्त के अंदर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है, मुझे लगता है देश की 80% से ज्यादा हिंदुओं की भावना का वो एक रिफ्लेक्शन है और पॉलिटिकल विल करके वो मोदी जी को उसको फायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। मुझे लगता है कि वो काफी अच्छी हद तक 2024 में मोदी जी को बीजेपी को फायदा मिलेगा। बिल्कुल, बीजेपी को फायदा मिलेगा। रावल साहब, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि देश का मूड का तीसरा सवाल क्या है, अब लोगों के सामने हम तीसरा सवाल लेकर आ रहे हैं और इसका सैंपल साइज भी वही है 2530। जी हां, और सर्वे की तारीख क्या है, 21 सितंबर यानी 21 से 24 सितंबर के बीच। अब तीसरा सवाल क्या है आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्या आप मानते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म स्थलों की पिछली सरकारों में अनदेखी हुई है और हमने जो सर्वे किया है उस सर्वे में लोग क्या कहते हैं, हां हां कहने वालों की संख्या है 44.50% और जो ना कहने वाले लोग हैं वो कहते हैं 36.03%, और कह नहीं सकते या हमें पता नहीं है वो करीब 19.47%। तो ये सवाल है कि पिछली सरकारों ने, क्योंकि बीजेपी लगातार ही आरोप लगाती रही है कि पिछली सरकारों ने वाकई अनदेखी की है धार्मिक जितने भी स्थल हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक जी सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देश की बड़ी आबादी इन धार्मिक स्थलों पर जाती है, वहां पर अव्यवस्था है, उनको जो 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 सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, भीड़ है, लेकिन शायद इस सरकार के आने के बाद उन धार्मिक स्थलों की सुध ली गई और जब सुध ली गई तो फिर तमाम सारी सुविधाएं हैं, काशी है, महाकाल है, दूसरे और धार्मिक स्थल हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपने ठीक कहा। असल में जो अनदेखी की बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे कई स्थल जहां मैं जाता रहा हूं पिछले 50 वर्षों में, तो चाहे वाराणसी कहें, अयोध्या भी एक समय में, चाहे वो जब उसका रूप है विवादास्पद जाता था तब भी वहां ताला लगा था, या उसके बाद भी जो स्थितियां हुई तो किसे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जो या उज्जैन का महाकाल मंदिर है, वहां पर लोग जाने की सुविधाएं, लोगों को ठहरने की सुविधाएं, और जिस तरह का बहुत बड़े पैमाने पर जो परिसर बना है वो तो वाराणसी से बड़ा बढ़ रहा है जी। इससे क्या होता है कि इस सब का एक मैसेज जा रहा है कि हाँ, और सरकार का काम नहीं है। और आपने ध्यान दिया जो अभी पहले हमारे सुन भाई भी कह रहे थे रावल जी, कि आप इनमें वहां के ट्रस्ट या वहां की संस्थाएं काम करती है, सरकार सहयोग करती है, आप ये नहीं कह सकते कि सरकार अकेले कर, लेकिन हाँ उनके साथ तालमेल, उसका प्रबंध यदि अच्छा हो, जो व्यवस्था है उसको ठीक किया जाए, लोग अधिक उसे सुंदर बनाया जाए, और उसमें और इसलिए केवल अकेला यही नहीं, जहां जो ये प्रदेश है जहां जहां ऐसे बड़े धार्मिक स्थल है वो पर्यटन की दृष्टि से भी, चाहे वो सारनाथ यदि है तो वो लोग वहां भी जाएंगे, यदि उज्जैन जाएंगे तो और जो पुराने इलाके हैं वहां भी जाएंगे, यदि मध्य प्रदेश जाएंगे तो खजुराहो भी जाएंगे, तो उन सब ऐसे जो इलाके हैं जहां पर प्राचीन मंदिर भी हैं, पुरानी इमारतें भी हैं, किले भी हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ाने का इस सरकार ने जो काम किया वो पहले नहीं हुआ, क्योंकि प्रायोरिटी नहीं थी। देखिए पर्यटन के मंत्री तो बड़े बड़े रहे, मैं उनको जानता हूँ,
उस दृष्टि से भी नहीं हुआ। अब तो आप देखिए कि ज्योतिराज सिंधिया जी सिविल एविएशन के बने हैं। अभी मिलकर मैं एक बात जोड़ूंगा कि यदि ऐसे धार्मिक स्थल जैसे उज्जैन है, वहां पर अभी हवाई अड्डा वैसा नहीं है जो दूसरे स्थानों पर गोरखपुर में भी हो गया। तो गोरखपुर में भी कई ऐसे स्थल थे जहां लोग आस्था की वजह से जा रहे थे। खाली योगी आदित्यनाथ तो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन गोरखपुर को कैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ दिया गया, क्योंकि उसके पास में बौद्ध वाला मंदिर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्थानों को जो महत्व दिया गया है उसका लाभ, या गोवा में यदि विकास हो रहा है तो यदि वहां के चर्च हैं तो उसका भी लाभ मिलता है ना, तभी तो भाजपा वहां सत्ता में आई। मेरा यही मानना है कि हिंदुत्व का एजेंडा, लेकिन एक व्यापक सर्वांगीण रूप से जो एजेंडा पूरा हो रहा है, और उसमें धार्मिक केवल मंदिर की बात ना करें, लेकिन हाँ मंदिर का एक महत्व है, चूंकि 80% आबादी बड़े पैमाने पर वही है जो उनको मानती है, और 20 में से भी कई लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाके या उनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है। अयोध्या, एक लाइन और जोड़ूंगा, अयोध्या में भी ज्यादा दुकानदार आप देखेंगे कि जो मुस्लिम भाई समुदाय के लोग हैं, उनका व्यापार चलता था, इसीलिए उन्होंने सहमति दी। और नृपेंद्र मिश्र जो प्रधानमंत्री के लगातार नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव रहे, वो वहां से रिटायर होके 2 साल से उनको ये काम दिया गया है कि अयोध्या का काम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो, वो ट्रस्ट पर उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है। इससे आप अंदाज लगाए कि सरकार और समन्वय करके उस एजेंडे को पूरा किया गया है जो जनता की भावनाओं को उसको क्रियान्वित कर सके। रावत जी, आप क्या मानते हैं कि जो पिछली सरकारें थी जिन्होंने इन धार्मिक स्थलों की अनदेखी की, वो तय नहीं कर पा रही थी कि इधर की बात करें या उधर की बात करें, लेकिन बीजेपी के सामने ऐसा कोई संकट नहीं है, उसे हमेशा इधर की ही बात करनी है, और इसी तरह अगर वो धार्मिक स्थलों का विकास भी कर रही है तो वो बात सीमाओं की भी कर रही है, विदेश नीति की भी कर रही है, और हर पखवाड़े में या हर परिस्थिति में हर मंच पर वो अपनी परिस्थिति को बेहतर दे रही है, यानी कि वो ये भी मानती है कि ये भी एक जनमानस का मुद्दा है, और अगर हम अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र कर सकते हैं तो हमें करके दिखाना है, हमें भरोसा तोड़ना नहीं है, और शायद यही कारण है कि ये तस्वीरें हमारे सामने दिख रही हैं। मनोज जी, आपने जब ये पूछा पिछली सरकारों की बात, तो उसका मतलब यह है कि हमें 1947 तक चला जाना चाहिए जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो मुझे लगता है तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ, तो आपका भी नहीं जन्म हुआ था, आलोक जी का पता नहीं, आलोक भी इतने बड़े भी नहीं होंगे शायद, लेकिन उस वक्त की जो स्थिति देश की थी, तो उस वक्त की स्थिति जो इतिहास में हम पढ़ रहे थे उसमें भारत की प्रायोरिटी बहुत अलग थी उस वक्त की सरकारों की, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारी प्रायोरिटी उस वक्त हम लाल गेहूं खाते थे, हम एग्रीकल्चर में भी स्वनिर्भर नहीं थे, हमारे यहाँ कम्युनल एटमोस्फियर बहुत देखते हैं, जो बंटवारा भी इसी वजह से हुआ था। डेमोक्रेसी को तो अभी हमें स्थापना करनी थी, शिक्षण, शिक्षा, आरोग्य, ये सब क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ भी सुविधा नहीं थी, तो ये सब की प्रायोरिटी उस वक्त की सर्व जी। लगता है कि सुधीर जी की आवाज चली गई, आवाज नहीं आ पा रही। सुधीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आप अपना ऑडियो चेक करें। तो कुल मिलाकर हमने तमाम सवाल जनता से पूछे और देश का मूड क्या है, हम अब सर्वे करते हैं, देश का मूड जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए करते हैं कि आखिर 24 की स्थिति क्या है, उसको भी समझ लिया जाए, उसको भी परख लिया जाए। सैंपल साइज एक और 2530, सर्वे वही है, उसकी दिनांक वही है, उसकी तारीख वही है, 21 से 24 सितंबर के बीच। और अगला सवाल यह है कि क्या आप मानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक कार्ड खेलती है और उससे देश में माहौल बिगड़ता है, क्योंकि यह आरोप लगाया जाता है। अब लोगों ने क्या कहा, जब हमने लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं हाँ, 32% लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक कार्ड बीजेपी खेलती है। नहीं कहने वालों की संख्या है 49.86%, और नहीं कह सकते या मुझे नहीं पता वो 18.14% लोग हैं, यानी कि आपके सामने है ये देखिए, आपके सामने तस्वीर है, ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर क्या आप मानते हैं, हमने लोगों से सवाल किया कि आखिर क्या आप मानते हैं कि बीजेपी कम्युनल कार्ड खेलती है और उससे देश का माहौल बिगड़ता है, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां आजकल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र करती हैं। आप देखिए, हां कहने वालों की जो आबादी है, हां कहने वालों की जो संख्या है वो 32% है,
कह नहीं सकते या मुझे नहीं पता, उसमें 18.14% लोगों ने कहा, और नहीं यानी कि जिन लोगों ने मना किया है वो भी एक बड़ी संख्या है, 49.86%। तो ये देश के लोगों का मूड है, हमने जानने की कोशिश की। आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात की जाती है कि बीजेपी सांप्रदायिक कार्ड खेलती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी झगड़ा करवाती है, और यही कारण है कि तमाम सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनका भी जिक्र करती है। लेकिन क्या माना जाए, विपक्षी पार्टियों की बात को माना जाए, या ये माना जाए कि बीजेपी सिर्फ हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की बात करती है, इसलिए ये आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, परसेप्शन की जब बात करते हैं तो वर्षों से चूंकि कांग्रेस पार्टी, जैसा अभी आपने कहा, चाहे वो नेहरू रहे हों, तब हिंदू महासभा ज्यादा थी, बाद में भारतीय जनसंघ रही या भारतीय जनता पार्टी जब आई, तो जितने विरोधी दल हैं उसमें समाजवादी भी शामिल हैं, उसमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, कांग्रेस तो सत्ता में रही है, उससे ये परसेप्शन बना कि हाँ ये सांप्रदायिक कार्ड खेलते हैं चूंकि हिंदुओं की बात करते हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों में और कुछ हद तक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी ये भ्रांति इसलिए भी दूर हुई, इसीलिए आपके हमारे जो सर्वे है उसमें 49% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, कम्युनल कार्ड नहीं खेलते जी, क्योंकि दंगे कम हो गए। आप देखिए, अहमदाबाद में मैं तो जाता था 75 के पहले, यदि आप देखिए इमरजेंसी से भी पहले, तब भी मैं जाता रहा हूं, यदि वहां जो दंगे होते थे, इंदौर का दंगा यदि आपको याद हो, भागलपुर के दंगे याद हो जी, तो उनमें कांग्रेस की सरकारों के समय में ज्यादा हुए। अब ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हों, संघ के रहे हों, उनके बाद जो कुछ अलग से निकल के संगठन बन गए, जैसे हिंदू महासभा चाहे वैसी नहीं है, लेकिन ऐसे समय में कोई हिंदू संगठन आ गया, या मुस्लिम के नाम पे ओएसी जैसी कई नई पार्टी आ गई, तो मुस्लिम लीग भी एक समय में थी। लेकिन कम्युनल होने का आरोप इसलिए थोड़ा सा जो, और आजकल ये सही है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मीडिया, सोशल मीडिया या हमारा टीवी मीडिया में भी हिंदू मुस्लिम कहकर के जिस तरह से आरोप लगते हैं, तो उसका एक थोड़ा नुकसान भी होता है कि भाई बीजेपी आई, अब ये कम्युनल बातें क्यों की जा रही, हमें तो विकास से मतलब है, आर्थिक विकास से। और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री एक तरफ भावना की बात करते हैं, या बीजेपी के और नेता जो समझदार है, और अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी जो लाइन ली है कि भाई हम तो सबको भारतीय, मुसलमान भारतीय मानते हैं, और हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि हमें लगे कि जितना 140 करोड़, 125 करोड़ जो हमारी आबादी है वो सब हमारे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कम्युनल आरोप रहा है, उसको बार बार दूर करने की कोशिश बीजेपी आरएसएस कर रही है। हाँ, लेकिन जो उन्हीं में से निकले लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल हो या और कोई ऐसे संगठन आ जाते हैं, या इनमें भी कुछ नेता या मंत्री जब कभी कोई उत्तेजक बातें कह देते हैं जो सांप्रदायिक, जिसका अर्थ निकलता है, या बुलडोजर की बात कह करके उत्तर प्रदेश में भी कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई इसको एकदम भावनात्मक, चूंकि उनके वेश, जबकि वहां पर विकास का काम बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन लोग क्या मानते हैं कि नहीं नहीं कहीं वो हिंदू उनका वेशभूषा है इसलिए ऐसा कुछ वहां पर बुलडोजर कुछ मुस्लिम इलाकों में चले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कम्युनल कार्ड खेलने वाली बात, मुझे नहीं लगता कि उसके बल पर भाजपा जीती है या जीत सकती है। रावल साहब के पास चलेंगे। रावल साहब, एक बहुत अच्छी बात कही बालूक जी ने कि आजकल जो बुलडोजर चल रहा है वो उस बुलडोजर को भी सिंबल के तौर पर, कम्युनल सिंबल के तौर पर जाना जाता है कि ये मुस्लिम बस्तियों में ही चल रहा है। तो क्या हम माने कि इस तरह के जो आरोप, क्योंकि बीजेपी चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, अगर किसी को, जितने जो प्रधानमंत्री आवास हैं वो मुस्लिम को भी मिले हैं, 3 तलाक जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो विसंगति मानी जाती है उस पर भी सरकार ने काम करने की कोशिश की है, नल जल योजना शुरू हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि नल का जो जल है वो सिर्फ हिंदू के घर में आएगा, मुस्लिम के घर में नहीं आएगा। तमाम जो सरकारी योजना है वो अगर हिंदू को मिलती है तो बराबरी के साथ मुस्लिम को भी मिलती है। जो सरकारी खाद्यान्न दिया जा रहा है, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, वो मुस्लिम को भी मिल रहा है और हिंदू को भी मिल रहा है। फिर आखिर ये क्यों आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी कम्युनल कार्ड खेलती है? मेरी आवाज आती होगी, मैं मानता हूं, राइट जी। तो आपने सही जस्टिफिकेशन ही दे दिया, वही बात है। आरोप जहां तक का सवाल है कम्युनल कार्ड खेलने का, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप कांग्रेस पर है, तो कम्युनल हिंदुत्व का ये बीजेपी पर है। लेकिन सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, वो हमारे संविधान के हिसाब से चलता है। आपने ठीक कहा कि जो भी वेलफेयर स्कीम होती है या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें कभी ऐसा नहीं है कि हिंदू की गाड़ी ज्यादा चलेगी, मुसलमान की कम चलेगी, या पानी कम जाएगा, ये नहीं होता है। तो रूल ऑफ लॉ ऐसे ही चलता है।
इवन जहां तक मोदी जी के शासन का सवाल है, पहले से लोग जानते हैं कि उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत सबका साथ सबका विकास कर, तो जो सबकी बात आती है तो उसमें हिंदू मुसलमान अलग अलग होता ही नहीं है जी। कांग्रेस ने भी जो भी किया है वो आगे ज्यादा कम किया, लेकिन सब रूल ऑफ लॉ हमारा संविधान के हिसाब से सरकारें चलती है, तो मैं नहीं मानता हूं कि वास्तव में ऐसा कोई कॉम्युनल खंड कोई पार्टी चाहने पर भी उसका अमल कर सके। ठीक है, परसेप्शन बनाने के लिए तो जो तो समुदाय को अपने पास लाने के लिए एक पॉलिटिकल एजेंडा चल सकता है पार्टी के लेवल पर कोई भी सरकार में जब आती है कोई भी पार्टी चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई रीजनल पार्टी सत्ता में आती है तो उसको रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना पड़ता है, सबके लिए एक ही संविधान के हिसाब से करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये आरोप खाली आरोप के लिए ठीक है, ज्यादा कम कहीं ना कहीं होता होगा, लेकिन नॉट इंटेंशनली नॉट एज ए पॉलिसी के हिसाब से ये नहीं हो सकता है। ये बड़ा सवाल है कि एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि मोदी सरकार के जो हिंदुत्व एजेंडे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और देश के मूड को जानने की कोशिश की, इसलिए हमने एक सर्वे भी कराया, इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया, सैंपल साइज 2530 है और दिनांक है 21 से 24 सितंबर के बीच में। अब एक और सवाल हमने लोगों से पूछा मूड जानने के लिए, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण पिछली सरकारों का मुस्लिम तुष्टीकरण रहना, जिसके कारण हिंदुओं की नाराजगी बढ़ती गई। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब यह सवाल लोगों से पूछा तो करीब 39.05% लोगों ने कहा हां ये बिल्कुल सही है, कह नहीं सकते या हमें नहीं पता वो एक संख्या थी 26.48%, और नहीं पता नहीं जानकारी ये जो लोग कहते हैं 34.47%। तो आपके सामने जो मूड जानने का ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण पिछली सरकारों का जो मुस्लिम तुष्टीकरण रहा है, जिसके कारण हिंदुओं की नाराजगी बढ़ती गई है, उसमें आपने देखा हमने जब लोगों से पूछा तो उनका क्या कहना था। आलोक जी, क्या से सही माने? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक बहुसंख्यक आबादी को लगता था कि बार बार आप मुस्लिम समुदाय का नाम लेते हैं, जबकि असलियत यह है कि मुस्लिम समुदाय को भी उतना लाभ नहीं मिला जो बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय का होता था। सलमान खुर्शी जब मंत्री थे तो मुझे आज भी याद है 2600 करोड़ खर्चा ही नहीं हुआ, तो साल का जो वार्षिक बजट होता है अल्पसंख्यक मंत्रालय का, जबकि सरकार ने किया। लेकिन हाँ, तुष्टिकरण की उनकी बातों को ज्यादा तरजीह दी जाती है और हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान है या हिंदुओं के जो मुद्दे आते हैं, जैसे जातिवाद वाला भी से जुड़ा हुआ है जो आज सवाल हमने उस पर उठाया है, लेकिन लोग उससे तंग आ गए थे और इसलिए ये सही है कि लोगों को लगता था कि भाई ये खास वर्ग विशेष को करते हैं और हमारा ध्यान नहीं देते, उसका भी एक लाभ मिला। और परसेप्शन पर मैं एक लाइन और बताऊंगा आपको, अपने पिछले सवाल से जुड़ा हुआ कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी विदेशी मीडिया में ये प्रचार होता था। मैं 80 के दशक की बात बता रहा हूँ, मैं खुद वहां जर्मनी में था जब एक चैनल ये दिखा रहा था जो अभी आपने शब्द जिक्र किया कि हिंदू के घर में पास आता है, पास के घर में मुसलमान के घर को पानी नहीं मिलता। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है, उसी नल से भी पानी पाइपलाइन जा रही है, तो ये संभव नहीं है कि एक के घर में पानी दिखेगा दूसरे में नहीं जाएगा। तो ये भी एक परसेप्शन बनाने की कोशिश सत्ता में, यदि यहां पार्टियां कई बार जहां भाजपा की सरकार या जनसंघ की सरकार कहीं आई समित जाए तो प्रचार करती थी उस सबका भी, और उसके बाद उन्हीं की बात की जाए कि देखो निग्लेक्ट, जबकि उनको निग्लेक्ट कर करके कह करके जो पड़ोसी जो लोग रहते थे हिंदू समुदाय के लोग, उनको लगता था कि देखिए ये इनका नाम लेते हैं और इनको इस तरह का फायदा देते हैं या इनके उन चीजों को ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, और उसका भी नुकसान उन पार्टियों को हुआ है। जी, उन पार्टियों को नुकसान हुआ और शायद यही कारण है कि मोदी सरकार के हिंदुत्व एजेंडे के जरिए एक संकेतों में ही सही, राहुल गांधी कभी मंदिर पहुंचते हैं तो कभी जनेऊ भी पहनते हैं कपड़े के ऊपर, और शायद इस बात को लेकर उनकी आलोचना भी होती है। लेकिन हिंदी हिंदुत्व और हिंदुस्तान के एजेंडे पर अगर चलना है तो वाकई आपको दिल से चलना होगा, और ये सरकार फिलहाल चल रही है और इसके संकेत आपके सामने भी बने हुए हैं। देश का मूड हमने जानने की कोशिश की, लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही, लोगों की राय क्या रही, ये हमने आपको बताया और आपने देखा भी।